Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Shri Radha, Shri Radha, Shri Radha. Jai Jai Shri Radhe. Braj ke laadle thakur, hum sabhi ke sevya. भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और पैदा होते ही भगवान गोकुल चले गए और वहां जैसे ही ये सबको सूचना मिली, संकेत हो गया. यशोदा जब सुबह उठी और पास में लेटे हुए ललना को स्पर्श किया तो स्पर्श की संवेदना मात्र से ही ऐसा लगा कि ये कौन आया अपरिचित, चिर परिचित सा, चिर परिचित सा. ये मेरे बगल में जो सोया है ये आया तो है अभी, इसका जन्म, इसका प्राकट्य तो अभी हुआ है, लेकिन ये अनंत काल से मेरा परिचय है या मैं अनंत जन्मों से इसकी प्रतीक्षा में थी. ऐसा भाव आ गया और जैसे ही वहां सब लोगों को ये सूचना मिली कि नारायण आए हैं, तो उन भोले भाले ब्रजवासियों को कोई अड़चन वंदन तो आता नहीं था. कि जिस तरह जब वो देवकी के यहां जेल में आए थे तो ब्रह्मा उनकी स्तुति करने आए, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, वैसे श्लोक ब्रजवासियों को नहीं आते. ये तो प्रेमा भक्ति है और प्रेमा भक्ति में बहुत ज्यादा आपको सीखने और जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं है. प्रेम की कोई भाषा नहीं है, वो आपकी आंखों से नजर आता है, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से नजर आता है. आपको शब्द देने की जरूरत नहीं पड़ती. प्रेम सहज ही आपके होने मात्र से आपका प्रेमी एहसास कर लेता है कि ये मुझे बहुत प्रेम करता है. उसमें आपको बहुत ज्यादा कोई विधि अनुष्ठान नियम जानने की आवश्यकता नहीं है. जैसे छोटा बालक होता है, अभी उसकी वाणी सधी नहीं है, बोलना नहीं जानता है अच्छे से, लेकिन मां उससे बहुत प्रेम करती है और उसकी तो निराश्रय भक्ति है, मां के अलावा तो कोई उसे उतना नहीं चाहता. तो वो ये नहीं कहना चाहता, बोलना जानता कि मुझे मैया रोटी चाहिए या मैया मैं दूध पीऊंगा, ना वो कहां जानता है. ये लैंग्वेज तो वो जानता नहीं, ये बात बोलना, ये शब्द कहां है उसके पास. तो उसके पास जो टूटा फूटा है
वो उसी से बोलता है, मैया मोय आतुत ओती दे दे, मैया पापी तार, कुछ भी बोलेगा क्योंकि वो बोलना नहीं जानता। लेकिन मां समझ जाती है कि मैया मोय आउ ओती दे दे मतलब इसे आलू और रोटी चाहिए, या कि वो कुछ भी नहीं बोलना जानता, जब इतना भी नहीं जानता तो मां उसकी चेष्टाओं से समझने लग जाती है कि अब ये क्या चाहता है। जब वो पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है तो उसे दूध चाहिए, उसके मुंह की बनावट से मां जान जाती है कि अब इसे क्या पेट में दर्द हो रहा है, इसको औषधि की आवश्यकता है। सो नहीं रहा है तो मां जान जाती है कि इसका भूखा है, ये कोई ना कोई बात है। तो यहां बालक के पास शब्द नहीं है और बालक के पास कोई चेष्टा भी नहीं है। इसी तरह जो भक्त भगवान से प्रेम करता है उसके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, उसे कोई शुद्धि के भगवान को अर्पित करने के और भगवान से प्रार्थना करने के बड़े कठिन नियम नहीं आते हैं, लेकिन वो भगवान से प्रेम करता है। तो फिर जैसे दुधमुहे बालक की भाषा मां समझ जाती है, उसी तरह भगवान अपने भक्त की भाषा समझ जाता है। उसे बहुत ज्यादा हिलाने डुलाने की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक भरोसा, एक आस, एक पूर्ण विश्वास। जब नारायण के चरणों में अपना प्रेम अर्पित किया तो बदले में वहां प्रेम का महासागर निकल के आया। क्योंकि यदि आप प्रशांत हैं तो प्रशांत आत्मा है, यदि आपके पास थोड़ी सी प्रसन्नता देने को है तो उसके पास अपार प्रसन्नता आपको देने के लिए है। आप थोड़ा सा देते हैं, कोई अंकुर दल दे दिया, एक लोटा जल चढ़ा दिया, एक प्रतीक्षणा कर दी, कोई बेलपत्र दे दिया, तुलसी दल दे दिया, बस इसी से वो आपका हो गया। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हां आपको इसके लिए आध्यात्मिक अंतःकरण तो चाहिए कि आपके मन में भगवान के प्रति अध्यात्म, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। क्योंकि यदि तो अंदर भगवान विराजमान नहीं है, यदि तो आपके हृदय में ईश्वर नहीं है, आप हृदय से ईश्वर से प्रेम नहीं करते, एकदम अंतर से, तो फिर आप प्रेम की भाषा भी नहीं बोल पाएंगे। यदि मां अपने बालक से प्रेम न करे तो वो उसकी भाषा समझ नहीं पाएगी। हद तो वहां हो जाती है कि मां बैठी है अमेरिका में, या कि मां बैठी है बालक से 20-30 किलोमीटर दूर और बालक को यहां कष्ट हुआ और भनक उसे वहां लगी।